सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक कॉम्बिनेशन। इसके पहले हम लोग क्या किए थे? परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? सेलेक्शन ऑफ थिंग्स। लिखो, कॉम्बिनेशन पॉइंट नंबर वन, सेलेक्शन ऑफ थिंग्स। सेलेक्शन ऑफ थिंग्स, सेलेक्शन ऑफ थिंग्स। सेलेक्शन ऑफ थिंग्स ठीक है। ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ द थिंग्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। देखो, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ए बी सी मान लो तीन लेटर है। ए बी सी मान लो तीन लेटर है। ए बी सी मान लो तीन लेटर है, ठीक है। अब इसमें से कोई भी दो लेटर हम लोग को सेलेक्ट करना है। क्या करना है? कोई भी दो लेटर हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो या तो हम ए बी कर सकते हैं, या तो हम बी सी कर सकते हैं, या तो हम ए सी कर सकते हैं। या तो हम ए बी, या तो बी सी, या तो हम ए सी, ठीक है। ये तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग परम्यूटेशन कर रहे थे, हम लोग ने क्या देखा था? ए बी एंड बी आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स, बट सचिन एंड धोनी टीम में है, या धोनी एंड सचिन टीम में है। बात तो बराबर है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन में ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस मैटर नहीं करता है। खाली आ रहा है या नहीं आ रहा वो देखना है हम लोग को, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एनसीआर। क्या फॉर्मूला है? एनसीआर। उसका फॉर्मूला क्या था? एनपीआर। यहां क्या है? एनसीआर। दैट इज एनसीआर को हम लोग लिख सकते हैं एनपीआर बाई आर फैक्टोरियल। ऑर्डर वाला चीज को हटा दो, ऑर्डर वाला चीज को हटा दो, तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो, मान लो 10C3 है, उसको क्या लिखोगे? 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा ये? 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 10C3 इज इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 होल फैक्टोरियल इक्वल्स टू 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज? हाँ, चलो 10C5 लिख के दिखाओ मेरे को, क्या लिखेगा? टेन फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा ये? क्लियर है? NC01 होता है, NC1N होता है, याद कर लो। ये चार जो मैंने टिक किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने का, लर्न इट। NC01 होता है, NC1N होता है, NCN1 होता है, और NCN-1N होता है। बगल में मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, बगल में मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। NC01 होता है, NC1N होता है, NCN1 होता है, और NCN-1 क्या होता है? N। ये चारों प्रॉपर्टी से, ये जो चारों प्रॉपर्टी आपने सीखा है, इससे मेरे को एक चीज सीखने मिलता है कि क्या हम NCR को
एन सी एन माइनस आर लिख सकते हैं? क्या हम एन सी आर को एन सी एन माइनस आर लिख सकते हैं? क्या हम एन सी आर को एन सी एन माइनस आर लिख सकते हैं? ठीक है, तो 7C3 इक्वल्स टू व्हाट? 7C4। उसी तरीके से ये प्रॉपर्टी बनाए कि एन सी जीरो को तुम एन सी एन लिख सकता है, दोनों का आंसर क्या होता है? 1। एन सी वन को एन सी एन माइनस वन लिख सकता है, एन। तो एन सी टू क्या होता है? एन सी टू क्या है? तुम लोग क्या करेगा, एन सी टू जब तुम लोग लिख रहा है तो तुम लोग कैसे लिखेगा? एन फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल इन टू एन माइनस टू फैक्टोरियल। अब एन इन टू एन माइनस वन इन टू एन माइनस टू फैक्टोरियल बाई टू इन टू एन माइनस टू फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो अल्टीमेटली क्या आया? एन इन टू एन माइनस वन बाई टू। हाँ, इसीलिए एक शॉर्टकट मैंने क्या निकाल लिया, मान लो एन सी थ्री है तो ऊपर तीनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, नीचे भी तीनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, जबकि परम्यूटेशन में खाली ऊपर होता था, बट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन बाई आर फैक्टोरियल। तो एन सी थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन पी थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल। तो 11C2 सॉल्व करो। 11C2 क्या लिखेगा? 11 इंटू टेन बाई टू इंटू वन। 11 इंटू टेन बाई टू इंटू वन। 10C4 सॉल्व करो। 10C4 10 इंटू नाइन इंटू एट इंटू सेवन बाई 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। चार फैक्टर है ना, तो चार बार मल्टीप्लाई होगा। चार फैक्टर है तो चार बार मल्टीप्लाई होगा। अब अगर एन सी वन से एन सी एन तक जा रहे हो तो ये फॉर्मूला है 2 to the power n-1। अभी खाली इतना याद कर लो और लिखना, बाइनोमियल थ्योरम में सीखेंगे हम लोग। एन सी वन से लेकर के अगर हम लोग एन सी एन तक जा रहे हैं तो आंसर क्या होगा? 2 to the power n-1। आंसर क्या होगा? 2 to the power n-1। ठीक है, इसका बोलने का मतलब ये था, इसका बोलने का मतलब ये था कि अगर 7C1 7C2 7C7 तो 2 to the power 7-1। अगर किसी को ये वाला रूल नहीं पता होता तो वो क्या करता बेचारा, यहां से यहां तक सॉल्व करता पूरा, बट हमको तो पता है ये रूल। ठीक है, वैसे ही एन सी जीरो से लेकर के अगर हम एन सी एन तक जाएंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 to the power n। तो 8C0 प्लस 8C1 से लेकर के अगर हम 8C8 तक जा रहे तो आंसर क्या होगा? 2 to the power 8। 256। 2 to the power 8। 256।
क्लियर कर लो ये चीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सीआर। जब तोहार और हमार बीच में फासला एक का हो, जब तोहार और हमार बीच में फासला एक का हो तो तनिक ऊपर वाले को एक से बढ़ा दी। जब नीचे का फैक्टर का डिफरेंस वन है तो ऊपर वाले को वन से बढ़ा देना है। जैसे 8c5 प्लस 8c4 9c5 हो जाएगा। 8c5 प्लस 8c4 9c5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अब मेरे को बताओ एक चीज, अगर एग्जाम में हम लोग का ऐसा दे देता है 499c92 प्लस xc91 इक्वल्स टू 500c92, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, बताओ x का वैल्यू क्या होगा। 499 ही होने का है, बिकॉज एन सी आर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर। तो एन का आंसर क्या हो गया, 499। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी तक अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे हम लोग क्या क्या सीखे, एनसीआर का ब्रेकअप, वो वाला ब्रेकअप नहीं, एनसीआर को कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देखे, NC0, NC1, NCN, NCN माइनस वन, फिर देखे NCR को NCN माइनस आर लिख सकते हैं। सर इसका एप्लीकेशन तो आपने बताया ही नहीं कि सर इसको लिखने से हमको क्या फायदा हो सकता है। बेटा बहुत फायदा होगा, एग्जाम में 20C18 बोला है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 20C2 लिख सकते हो इस प्रॉपर्टी के तहत। तो बस हो गया 20 × 19/2 × 1 = 190। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल। एनसीआर इक्वल्स टू एनसीएन माइनस आर, क्लियर यहां तक? आगे बढ़े, इफ एन सी पी इक्वल्स टू एन सी क्यू, अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो दो हो सकता है, या तो पी क्यू के बराबर है या पी प्लस क्यू इक्वल्स टू एन, और है और, या तो पी क्यू के बराबर है या पी प्लस क्यू इक्वल्स टू एन। क्वेश्चन आता है एन सी 8 इक्वल्स टू एन सी 12, फाइंड एन, तो n का आंसर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 12 20। दोनों नीचे वाले को जोड़ने से ऊपर वाले का आंसर आ जाता है, दोनों नीचे वाले को जोड़ने से ऊपर वाले का आंसर आ जाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में मेन उसका प्रॉपर्टीज ही है, सम्स वगैरह बहुत सिंपल है इसका। और अगर आप कॉम्बिनेशन सीख गए ना तो फिर मेरे को आपको प्रोबेबिलिटी में कुछ सिखाने का दरकार नहीं है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी का चंक जो पार्ट है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी बोथ।
एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए सारा प्रॉपर्टीज को स्टार्टिंग से, एक बार गो थ्रू कर लीजिए सारा प्रॉपर्टीज को स्टार्टिंग से, फिर मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट गो थ्रू कर लीजिए जितना भी रूल्स दिखा हुआ है। देखेंगे आप नेक्स्ट पेज में, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए NC2 फॉर्मूला क्यों है? एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए NC2 का फॉर्मूला क्यों बताइए? क्योंकि भैया दो पॉइंट को ज्वाइन करने से तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ट्राइंगल के लिए क्या है? तीन पॉइंट को ज्वाइन करने से ट्राइंगल बन जाएगा, लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है? वो तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर तीनों पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेगा तो वो ट्राइंगल नहीं बना पाएगा। ठीक है, फटाफट फॉर्मूला याद करिए, 2-3 मिनट का टाइम दिया गया आपको, फटाफट करिए सारा फॉर्मूला गो थ्रू करिए फटाफट। चलिए हम लोग सम्स के थ्रू ये सब समझेंगे, ऐसे याद नहीं होगा। याद करिए सुपर 30 कितना हैंडशेक हुआ, जो लोग देखा होगा सुपर 30। ठीक है, पैरेललोग्राम कैसे बनता है? ऐसे पैरेललोग्राम बनता है, राइट? तो दो यहां से, दो यहां से, NC2 इंटू MC2, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स NC3, लेकिन कोलिनर पॉइंट से ट्राइंगल बन नहीं सकता इसलिए माइनस कर दिया गया MC3। सर ये यहां पर आप NC2 माइनस MC2 प्लस 1 क्यों किए? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स, सारा कोलिनियर पॉइंट्स मिलाकर के एक स्ट्रेट लाइन बना सकता है। ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट डाल सकते हैं इसमें, तब तो आप इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। नहीं, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट प्लेन में जितना पॉइंट्स होता है उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, अगर वो दो से ज्यादा होता है तो। जनरली एक प्लेन में दो ही पॉइंट हो सकता है, ठीक है, दो से ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं अपने। तो कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता, सिर्फ एक ही बन सकता है। इसीलिए क्या किया, माइनस MC2 मैंने क्या किया, पहले किया माइनस MC2, प्लस 1 क्यों किया उसका लॉजिक यहां लिख दीजिए। ऑल द कोलिनियर पॉइंट्स टुगेदर, ऑल द कोलिनियर पॉइंट्स टुगेदर कैन मेक वन स्ट्रेट लाइन। ऑल द कोलिनियर पॉइंट्स टुगेदर कैन मेक वन स्ट्रेट लाइन। All the collinear points together can make one straight line. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है।
पंद्रह पॉइंट है, आठ सेम स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, मतलब देयर आर एट कोलिनियर पॉइंट्स, हमको क्या बनाना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो 15 को सर्कल करके लिखेंगे एन, 8 को सर्कल करके लिखेंगे एम, 15C3 माइनस 8C3, 15C3 माइनस 8C3, C3 बोला है तो 15 इंटू 14 इंटू 13, चार सौ पचपन, और ये आएगा 36, 399। फोर लाइब्रेरी टिकट्स एंड सेवन बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी, ऑफ दिस सेवन ही डज नॉट वॉन्ट टू बोरो इंग्लिश पार्ट टू अनलेस इंग्लिश पार्ट वन इज ऑल्सो बोरोड, वो इंग्लिश पार्ट टू बोरो नहीं करेगा अंटिल एंड अनलेस इंग्लिश पार्ट वन बोरो। इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज फोर बुक्स, फोर लाइब्रेरी टिकट मतलब चार बुक ले सकता है, जैसे आप लोग के कॉलेज आईडी में होगा तीन बुक लेने का, तो आप लोग क्या यहां पर क्या है समझिए कॉलेज का लाइब्रेरी है, आपको चार बुक अलाउ किया है, अब उसके पास है कितना सात बुक, तो आपको क्या लगा होगा 7C4 गलत, हम लोग यहां पे तीन कॉलम बनाना है, इंग्लिश पार्ट वन, इंग्लिश पार्ट टू, अदर्स, इंग्लिश पार्ट वन, इंग्लिश पार्ट टू और अदर्स, ठीक है। इंग्लिश पार्ट वन अगर वो ले रहा है तो वो पार्ट टू ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, तो नहीं लिया तो बाकी से तीन, बाकी मतलब कितना फाइव, करेक्ट। अगर वो ये ले रहा है ये भी ले रहा है तो यहां से दो, अगर वो ये नहीं ले रहा है तो ये भी नहीं लेगा, मतलब यहां से चार, तो मेरा आंसर क्या हो गया 5C3 प्लस 5C2 प्लस 5C4। देखो कंडीशन क्या बोला है, अगर टू लेगा तभी लेगा जब वन आएगा तब, तो वो जब वन ले रहा है तो टू ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है ना, तो वन लिया टू नहीं लिया बाकी में से तीन, वन भी लिया टू भी लिया बाकी में से दो, वन भी नहीं मिला तो टू भी नहीं मिलेगा उसको बाकी में से चार, यहां पे ना 56 होगा, गलती लिखे थे मैं,
ये 56 होगा। तुम इंग्लिश पार्ट वन को एसेंशियल मानो, पार्ट वन ले रहा है पार्ट टू ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, पार्ट टू ले रहा है तो पार्ट वन चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए एक जगह क्रॉस एक जगह टिक। टू में अगर टिक है तो वन में भी टिक होना पड़ेगा, लेकिन अगर वन में टिक है तो टू में टिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर क्वेश्चन नंबर टू? हाँ, 10 क्वेश्चन है, उसको 4 और 6 में बांट दिया गया है, कम से कम 3 चाहिए, तो यहां पर ए बना रहे हैं यहां पर बी बना रहे हैं, ब्रैकेट में 6 ब्रैकेट में 4, यहां से 3 तो यहां से 4, यहां से 4 तो यहां से 3, तो केस क्या बन रहा है, 6C3 इंटू 4C4 प्लस 6C4 इंटू 4C3। डन, कितना आया आंसर? श्योर है? 6 जज है, मेजॉरिटी डिसीजन चाहिए, 6 जज में मेजॉरिटी डिसीजन कैसे आएगा, 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6, मेजॉरिटी मतलब होता है आधा से ज्यादा, सॉरी, एक ही केस में जब तुम अलग अलग करके कर रहा है तो उसमें इंटू हो रहा है। देखो जैसे यहां पर एक ही केस है, 7 चीज सेलेक्ट करना है ना, इतना ए एंड इतना बी, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, और तुम इस सब में 2 केस बना रहे हो, तो आइदर केस 1 और केस 2, वहां प्लस यूज हो रहा है, आइदर दिस और दिस और दिस। नेक्स्ट, 7 बल्ब है, 4 डिफेक्टिव है, तो बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, ये क्या हो गया 4, ये हो गया 3, तो हमको या तो एक डिफेक्टिव चाहिए या 0 डिफेक्टिव चाहिए, क्योंकि आपको रूम में क्या चाहिए, लाइट चाहिए, रूम में लाइट चाहिए, अगर रूम में लाइट चाहिए तो कम से कम एक बल्ब जल रहा हो, दोनों बल्ब नहीं चलेगा तो रूम में क्या होगा, अंधेरा अंधेरा अंधेरा। तो 4C1 इंटू 3C1 प्लस 4C0 इंटू 3C2, 4C1 इंटू 3C1, वन डिफेक्टिव वन नॉन डिफेक्टिव और बोथ नॉन डिफेक्टिव, रूम में उजाले के लिए एक एक जलता चिराग ही काफी है। ठीक है, या इट लुक्स लाइक ए पीजे, यू नो, बोलो भाई, 5 नंबर क्लियर है?
अब तुमको समझ में आ रहा है इनटू कहां हो रहा है प्लस कहां हो रहा है? हां एनपीआर बाई एनसीआर तो क्या होता है आर फैक्टोरियल, तो 7PR बाई 7CR 120, तो R फैक्टोरियल हो गया 120। अब 120 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल, तो R का मतलब हो गया 5। भाई एनपीआर एनसीआर क्या होता है आर फैक्टोरियल होता है, तो यहां क्या दिया हुआ है 7PR बाई 7CR 120 दिया, तो आर फैक्टोरियल 120, 120 का मतलब 5 फैक्टोरियल होता है। क्लियर? 6 नंबर, कोई मुसीबत कोई दिक्कत? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंज, एक बात आप बताइए, याद करिए मंडे एक वर्ड हम लोग सीखे थे परम्यूटेशन में पहला क्लास में, टेकिंग फोर एट ए टाइम में, कितना फटाक से आप लोग 6P4 निकाल लिए थे, है ना? एकदम फटाक से। मंडे में कितना लेटर हुआ? 6। कितना लेना है? 4। आंसर क्या हो गया? 6P4। अरेंज में कितना लेटर है? 7। कितना लेना है? आंसर क्या होगा? 7C4। गलत जवाब, रिपीटेशन है। इसीलिए मान लो, मान लो अगर मंडे होता, हाउ मेनी, इन हाउ मेनी वेज कैन फोर लेटर्स बी सेलेक्टेड? क्वेश्चन लिखो पहले एक ठो। इन हाउ मेनी वेज कैन फोर लेटर्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड मंडे? इन हाउ मेनी वेज कैन फोर लेटर्स बी, कैन फोर लेटर्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड मंडे? आंसर होगा 6C4। आंसर होगा 6C4। बड़ा बड़ा अक्षर में लिखो, अगर रिपीटेशन नहीं है, अगर रिपीटेशन नहीं है तो जिंदगी आसान है। ऐसे ही लिखना, अगर रिपीटेशन नहीं है तो जिंदगी आसान है, लेकिन अगर रिपीटेशन है तो भी जिंदगी आसान है, लेकिन बनाना पड़ेगा। कैसे? अरेंज वर्ड में दो बार आर है, दो बार ए है, दो पेयर है, दो पेयर का मतलब 5 अलग अलग लेटर है, तो अब अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ, या तो चारों अलग लेटर होगा, या दोनों सेम होगा, दो पेयर होगा आर आर ए ए, या फिर एक पेयर दो अलग। इसके अलावा अगर आपसे और कोई, आपको लगता है कि और बेटर कोई ऑप्शन है, आप बताइए। मेरे पास 5 अलग अलग लेटर है और दो पेयर है, हमको 4 लेटर का, वो क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन, को हिंदी में क्या बोलते हैं, चुनाव करना है। कॉम्बिनेशन मतलब चुनाव, सी फॉर कॉम्बिनेशन, सी फॉर चुनाव। और चुनाव का मतलब क्या होता है पता ही आपको, सियाप्पा, ठीक है? तो हमको चुनाव करना है, ठीक है, चुनाव करना है हमको, ठीक है? तो 5 अलग अलग लेटर में से हमको 4 लेटर का चुनाव करना है, तो आंसर क्या होगा? 5C4। वन ऑफ द केस कैन बी ऑल द 5 चुनाव आर डिफरेंट, मतलब चारों जो लेटर का सिलेक्शन हुआ है चारों डिस्टिंक्ट है, तो भैया ये 5C4 हम गलत लिखेगा। ये एक केस हुआ। दूसरा केस में क्या हो सकता है, दोनों पेयर जोड़ा जोड़ा ले रहे हैं, 2C2, क्योंकि दो ही जोड़ा है। मान लो 3 जोड़ा होता तो आंसर क्या होता, 3C2, बट यहां तो दो ही जोड़ा है तो आंसर क्या होगा, 2C2। अगर एक जोड़ा ले रहे हो मतलब एक डिस्टिंक्ट कम हो जा रहा है, पहले 5 था, जो पहले 5 थे, 5 बैचलर में से अगर एक का शादी हो गया तो बैचलर बचा कितना, 4। तो अगर यहां पर एक पेयर ले रहे हो तो यहां 5 होगा कि 4 होगा, 4।
कैसे फोर हुआ? पांच में से एक जोड़ा बन गया, तो बचा कितना? चार। और जोड़ा मतलब दो, चाहिए चार, एक जोड़ा, तो बाकी में से कितना लेना है? दो। जनरली बच्चा गलती क्या करता है, ऊपर तो एक माइनस करता है, नीचे भी बेटा एक ही माइनस करता है। गलत, नीचे तो यहां तो जोड़ा आ गया ना, तो टू सी वन कोई भी एक जोड़ा, जो जोड़ा बन गया वो ऊपर से हट जाएगा, बस। जिसको समझ में आ गया हो वो इसका करके दिखाए हमको। पहले आप अरेंज का करें, थोड़ा हाथ चलाएं, कॉपी में नोट्स बनाएं। किताब दिए इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लिखेंगे फिकेंगे नहीं आप। चलिए आराम से टेक योर टाइम। जिसका अरेंज हो गया है अब वो एग्जामिनेशन पे फोकस करें। तो देखिए एग्जामिनेशन में कितना लेटर है, 11, और है तीन जोड़ा, तो यहां क्या हो जाता, 8C4, ऑल द फोर डिस्टिंक्ट में क्या हो जाता, 8C4, तीन में से दो जोड़ा लोगे तो 3C2, और एक जोड़ा दो डिस्टिंक्ट लोगे तो 3C1 × 7C2। ये आपका आता 70, ये आएगा 3, ये आएगा 63, तो टोटल हो जाएगा 136, टोटल हो जाएगा 136, ठीक है। सेम विथ मैथमेटिक्स, एक बार और लिख लो, मैथमेटिक्स सेम है, MATHE, मैथे, मैट्रिक्स, मैजिक नहीं, मैट्रिक्स, MATICS। चार मजदूर का दरकार है, 12 लोग ने एप्लीकेशन दिया है, कैसे होगा चुनाव? 12C4, कैसे होगा चुनाव? 12C4, ट्वेल्व सी फोर। पांच ब्लू बॉल है, चार रेड बॉल है, तीन ग्रीन बॉल है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन अ रो? जब हम किताब बना रहे थे हमको लगा था कि ऐसा कुछ होगा, हम परमुटेशन पढ़ाएंगे उसके बाद पढ़ाएंगे कॉम्बिनेशन, तो मेरे को चेक करना होगा कि बच्चा लोग को याद है कि नहीं है, इसीलिए हम बीच में क्या दे दिए, परमुटेशन डाल दिए। परमुटेशन का सम है अरेंज्ड, अरेंज का मतलब क्या होता है, परमुटेशन, या अंडरलाइन कर लो भाई। तो रिपीटेशन है ना, पांच ब्लू चार रेड तीन ग्रीन, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या, 5 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल।
डन, यहां तक आगे बढ़ाएं। सेवन सीट्स ऑफ आर्टिकल क्लर्क्स आर वेकेंट, चुनाव करना है तो 12C7 यहां क्या लगा, NCR इक्वल्स टू NCN-R, क्यों 12 में से 7 जगह सिलेक्शन करना है तो 12C7 ही तो होगा। 8 लोगों का कमिटी बनाना, उसमें 7 लड़का 5 लड़की ऑलरेडी, मतलब 7 लड़का 5 लड़की में से 2 लड़की कम से कम होना चाहिए, तो ठीक है पहले लड़की लोग का सिलेक्शन हुआ, फिर जो बचा लड़का लोग, फिर लड़की लोग का हुआ, फिर जो बचा लड़का लोग, ऐसे करके 4 केस बन रहा है। मिनिमम 2 लड़की बोला है तो 2 लड़की, 3 लड़की, 4 लड़की, 5 लड़की, 6 लड़की हो नहीं सकती क्योंकि है ही नहीं, तो होगा कहाँ से। तो 5C2 × 7C6 प्लस 5C, जैसे जैसे लड़कियों की मात्रा बढ़ रही है वैसे वैसे लड़कों की संख्या कम हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप ऐसे केस बना के नहीं करेंगे तो कभी जीवन में राइट नहीं होगा आपका, अपना बुद्धि तो एकदम ही मत लगा लीजिएगा। इसका एक तो ऑल्टरनेटिव प्रोसेस है, बोलिए सीखना है तो बोलिए, इजी हो जाएगा वो। कैसे इजी हो जाएगा देखिए सर, एटलीस्ट 2 लड़की मतलब क्या, सारा लड़का नहीं होना चाहिए, और सारा लड़का तो ऐसे भी हो ही नहीं पाएगा क्योंकि 7 ही लड़का चाहिए, 8। तो देखो 12C8 इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस, 12C8 इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केस माइनस 7C7 × 5C1 करके देखिए तो आंसर मैच कर रहेगा। अरे करना ही होगा, सिखाया कौन है, ये 495 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, 490 लिख लो। ऑल्टरनेटिव मेथड, टोटल पॉसिबल वेज माइनस ऑल बॉयज माइनस वन वन गर्ल रेस्ट बॉयज, एक सर्कल है उसमें जगह जगह बिंदी है, उसको पॉइंट्स ऑन सर्कल बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 पॉइंट, तो आंसर क्या हो जाएगा 10C4, आंसर क्या हो जाएगा 10C4, आंसर क्या हो जाएगा 10C4। यहां तक डन है। 14C5 प्लस 14C4 क्या हो जाएगा 15C5, सॉल्व कर लो। कितना रहा बताओ, इतना ही आ रहा है क्या 15C5। यहाँ प्रॉपर्टी लिख लेना है, NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स टू N+1CR। NCR प्लस NCR-1 इक्वल्स टू N+1CR।
बोलिए। बारह जन का टीम बनाना है, सोलह जन में से एक तुच्छ प्लेयर को लेना ही नहीं है, तो फिफ्टीन, फिफ्टीन कैसे हो गया, एक कम हो गया ना। फिफ्टीन सी ट्वेल्व का मतलब क्या होता है, फिफ्टीन सी थ्री सॉल्व कर लो। अगर फॉर्मूला के हिसाब से करना चाहते हैं आप, तो एन माइनस एम सी आर, यहां पर एन था 16, एम था 1 और आर था 12। ठीक है, फिर से फिरकी ले लिए, लेकिन इस बार समझाने के लिए हैं। देखो क्या, छह में से तेरह, तेरह में से छह, उसमें से एक चंद चाहिए, इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन माइनस एम सी आर माइनस एम, एन माइनस एम सी आर माइनस एम, तो 12C5 करेक्ट, 12C5 करेक्ट। अब 12C5 का मतलब क्या हो गया, सिलेक्शन, ये क्या है मेरा सिलेक्शन है, व्हाट इज परम्यूटेशन, ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन, व्हाट इज परम्यूटेशन, ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन। तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट, और रादर प्रूव्ड यू दैट परम्यूटेशन इज एन ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन। ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन, बोलिए। आप जब बोलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तीन प्राइस है, तीन भाइयों में बराबर बांटना है, मतलब एक एक एक, तो पहला वाला किसी भी पांच भाई को जा सकता है, दूसरा वाला किसी भी चार को, तीसरा वाला किसी भी तीन को। 5×4×3, अगर इक्वली नहीं बोलता तो 3³ हो जाता, अगर ये वर्ड मेंशन नहीं करता तो आंसर क्या होता है, 3³। डिंग दस क्वेश्चन को हाँ या ना में जवाब देना है, तो हर क्वेश्चन का दो तरीका, दस क्वेश्चन का 2^10, एक क्वेश्चन को हाँ या ना मतलब दो तरीका, तो दस क्वेश्चन का क्या होगा, 2×2×2 ….10 × 2^10। अठारह नंबर वेरी डिफिकल्ट, बच्चा गारंटी गलत करता है। इसको एक मानो, इसको एक मानो, इसको एक मान रहा है तो हो जाएगा 13C6 और 13C5 हो जाएगा 14C6, तो एक्स का आंसर क्या आएगा, सिक्स। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इक्वल्स टू एन प्लस वन सीआर,
जब तुहार और हमार बीच में फासला एक का हो। डन विद 18 नंबर। 15 बिलियर्ड बॉल बी अरेंज, 7 ऑफ देम आर रेड, 4 ऑफ देम आर ब्लैक एंड 4 ऑफ देम आर व्हाइट। अरेंज बोला मतलब परम्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 20 में खाली एक ही वर्ड है जो पूरा आंसर बदल देगा, अ फेस। पेंटिंग अ फेस मतलब सिंगल फेस। 6C1 सिक्स। बोलिए पहला वाला का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पहले पढ़िए आप अच्छे से, मैं एकदम हड़बड़ी नहीं कर रहा, आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए। मैं खाली क्रंच पार्ट लिखूंगा क्वेश्चन का, आप सॉल्व आपको करना है। क्या मैं ये लिख सकता हूं हाँ या ना? थ्री एन प्लस टू एन प्लस फाइव इक्वल्स टू 20। पी प्लस क्यू इक्वल्स टू एन, नीचे वाला दोनों को जोड़ने से ऊपर वाला आता है। यहां पर एन क्या आ जाएगा? 25। तो 25C25 को क्या लिख सकते हैं? 25C2, सॉरी 27C2। टू एन सी थ्री इज टू एन सी टू इक्वल्स टू क्या? 12:1। पहले 4 पुट करो, ऑप्शन पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा? 8C3:4C2। तो 56:12 नहीं आया आंसर, 4 नहीं सेटिस्फाई कर रहा। 5 पुट करो, 10C3:5C2। तो 10C3 क्या होता है? आ गया 120:10, 12:1। तो आंसर क्या होगा? 5। पीटीओ जीटीए, पुट द ऑप्शन गेट द आंसर। पीटीओ जीटीए, नेक्स्ट क्या लिखेगा? 3R+R+3 इक्वल्स टू 15। R इज इक्वल्स टू 3। R+R+2 इक्वल्स टू 2N। R फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6, तो R3 आ जाएगा। अब
NC3 अगर 56 है तो NP3 होगा 56 इंटू 3 फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन को परम्यूटेशन में बदलने के लिए इंटू आर फैक्टोरियल करना होता है, मतलब इंटू 3 फैक्टोरियल। तो NP3 इज इक्वल्स टू 336। ब्रेक करेंगे इसको, 876, देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू 8। जितना फैक्टर बोलता है उतने में हम लोग क्या करते हैं उसको कंसेक्यूटिवली ब्रेक करते हैं। जितना फैक्टर बोलता है उतना में हम लोग इसको क्या करते हैं कंसेक्यूटिवली ब्रेक करते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़े। देखो 7 नंबर क्वेश्चन है क्या, 20 के साथ में सी में क्या दिया है, 5 प्लस समेशन यहां से 25 माइनस आर सी 4, करेक्ट? हां, एक बार 5 पुट करो, खाली 5 पुट करो, क्या आएगा 20 C4। मेंटली सोचना है तुमको इस सब में, ये सब अगर तुम लिख के करने जाएगा ना बहुत दिक्कत हो जाएगा। मेंटली सोचो 5 पुट करने से क्या आएगा 20 C4, और 20 C4 और 20 C5 क्या होता है 21 C5, फिर अगर जब 4 पुट करोगे तो 21 C4, तो 21 C5 और 21 C4 क्या हो जाएगा 22 C5। ठीक है, 3 पुट करो, कौन सा क्यों कैसे अलग अलग हुआ भाई, ऊपर वाला मेरे एक बढ़ जा रहा है तो लो भाई, तो हम लिख लिख के कर दे रहे, कोई बात नहीं। 23 C4, 22 C4, 21 C4 और 20 C4, इसको इसको जोड़ो क्या आएगा 21 C5 आएगा, इसको इसको जोड़ो क्या आएगा 22 C5 आएगा, इसको इसको जोड़ो क्या आएगा 23 C5 आएगा, इसको और इसको जोड़ो 24 C5, हो गया, यही आंसर है 24 C5। इसको ऐसे लिखो तुम लोग, 20 C5 प्लस 20 C4 प्लस 21 C4 प्लस 22 C4 प्लस 23 C4, इसको इसको ऐसे यहाँ लिखो 21 C5, इसको इसको लिखो 22 C5, इसको इसको लिखो 23 C5, 24 C5।